हाय गाइस, मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ, लेकर आई हूँ सोहक यानी कि मोहक नारंग एंड सुरभी राठौर की अपडेट। जब भी ये नाम आता है तो प्यारे से कपल की छवि हमें दिखती है। मोहक एंड सुरभी ये इतना क्यूट कपल है कि एक दूसरे की जिस तरह से केयर करता है, साथ में मस्ती करते हैं, हर खुशी और गम में हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। किसी को बिलीव नहीं हो रहा है कि ये कपल आज एक दूसरे से रूठकर बैठा है। जो दो लोग एक दूसरे से मिले बिना चार दिन नहीं रह सकते थे, आज उनको ना मिले हुए 2 महीने हो गए हैं। ऐसा भी क्या हो गया इनके बीच, इसे जानने की कोशिश हम लोग करते हैं। कुछ रीजंस हमारे पास हैं जिनके बेसिक पर हम ये कह सकते हैं कि इनके साथ आने की उम्मीद अभी भी बरकरार है। जब भी मोहक सुरभी कोई भी फोटोज, वीडियोज और स्नैप अपने इंस्टाग्राम पर या स्नैपचैट पर शेयर करते हैं या फिर YouTube पर शेयर करते हैं, इनके फैंस कमेंट में बस एक ही सवाल पूछते हैं, सोहक हमें साथ में क्यों नहीं दिख रहा है, आप दोनों साथ में वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, हमें हमारा सोहक वापस चाहिए, वी वॉन्ट सोहक बैक। पर इन दोनों ने जिस तरह से चुप्पी बांध रखी है, फैंस को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। दोनों ही अपने अपने दोस्तों के साथ रील्स बना रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो शुरू से जानते हैं कि इन्होंने एक दूसरे को कैसे इग्नोर करना शुरू किया था। मोहक जहाँ सबसे पहले कुणाल और नितेश के साथ ऋषि के स्ट्रीट पर चले गए थे, फिर अपने काम से मुंबई चले गए। मुंबई से आए ही थे कि फिर से वो अपने होम टाउन हिसार चले गए थे। हिसार से आने के बाद फिर से ट्रिप पर चले गए। इस वाली ट्रिप को आए हुए 2 दिन ही हुए थे कि नितेश के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सभी बॉयज फिर से एक बार ट्रिप पर चले गए हैं और अभी तक ये लोग ट्रिप पर ही हैं। लगातार एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। जहाँ मोहक ने अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं कहा इस बारे में, वही सुरभि ने भी वैसे तो कुछ नहीं कहा, बट सुरभि डेली ऐसी वीडियोज अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है जिससे कि हमें कुछ कुछ हिंट मिल जाती है। मोहक से दूर होकर सुरभि कभी सैड रील्स पोस्ट करती है तो कभी उस यूनिकॉर्न के साथ रिपोस्ट करती है जो उनको मोहक ने बड़े ही प्यार से एक गेम में जीत कर दिया था और सुरभि को कहा था कि इसका हमेशा ख्याल रखना। जैसे कल ही सुरभि ने ये वाली रील पोस्ट की थी, वंस कृष्णा सैड, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और साथ में ये वाली रील्स भी कि तेरी मेरी बात बने। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि वाकई में ये रील्स सुरभि मोहक के लिए बना रही है? क्या वो मोहक अपनी लाइफ में वापस लाना चाहती है? और ऐसी कई सारी रील्स है गाइज, मैं आपको कौन कौन सी बताऊँ। पिछली वीडियो में हम इनके बारे में बहुत सारी बात कर चुके हैं। और इसी बीच सुरभि का लुक भी अचानक से बदल गया है जिसे देखकर भी सोहक के फैंस बहुत ही हैरान हैं। कोई कह रहा है कि हमारी सुरभि बदल गई है, तो कोई कह रहा है कि वो किसी और पर्सन से इन्फ्लुएंस होकर ये सब कर रही है। तो गाइज, कोई कह रहा है कि जब से सुरभि की लाइफ में स्काई और मोहक की लाइफ में उनका नया फ्लैट आया है, तब से ही दोनों की लाइफ में यानी सोहक की लाइफ के बीच में गड़बड़ चल रही है। गाइज, फैंस तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मोहक को उनका नया घर सूट नहीं हुआ। तो गाइज, इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या वाकई में जब से मोहक ने नया घर एंड नई कार ली है तब से कुछ ना कुछ हो रहा है सोहक के बीच में, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो आइए अब देख लेते हैं कल की वीडियो के कुछ कमेंट। पहला कमेंट है सामू का, फर्स्ट व्यू, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है दीपक का, इन्होंने लिखा है सुरभि का व्लॉग अगर किसी ने अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो सुरभि वीडियो के एंड में रो रही थी। अब्दुल हनान का कमेंट है, थैंक यू दी, आपका नाम क्या है? माय नेम इज तनीजा अंजुम। आशिफा मिर्जा का कमेंट है, थैंक यू दी, आप बहुत ही प्यारे हो, आप हमें डेली सोहक की अपडेट देते हो, थैंक यू सो मच आशिफा एंड वेलकम। रामदत्त सोनी का कमेंट है, बहुत वेट कर रहे हैं, होप लगाए हैं कि जरूर मिलेंगे, ब्रेकअप नहीं करेंगे। जब ये अकेले में वीडियो बना रहे हैं तो सुरभि मोहक बहुत ही याद कर रहे हैं, बहुत उदास हैं, रील में दिखते हैं। संजय झा का कमेंट है, हेलो दी, यू आर सो स्वीट, थैंक यू सो मच संजय। अलवीरा अंसारी का कमेंट है, थैंक्स दी डेली अपडेट देने के लिए। संजना वर्मा का कमेंट है, हेलो दी, माय नेम इज गरिमा एंड मुझे पूरा विश्वास है कि सोहक कभी अलग नहीं हो सकते हैं। मेहर का कमेंट है, माय नेम इज मेहर दी, मेरा दिल कह रहा है कि सोहक जरूर वापस आएंगे। अनम का कमेंट है, थैंक यू दी अपडेट देने के लिए, मैंने सुरभि दी की रील्स देखी है, वो बहुत मिस करती है मोहक ब्रो को। सोनल ने कमेंट किया, दी डोंट वरी, ये वापस जरूर आएंगे, आई स्वेयर। सुमन कुमार की एवर्ट ने कमेंट किया, मोहक एंड सुरभि जी माय फेवरेट कपल। सॉरी गाइस, आप लोग इतने लंबे लंबे कमेंट करते हैं, पूरा कमेंट पढ़ती हूँ मैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रही हूँ, लेकिन सबके शामिल करने की कोशिश कर रही हूँ। गाइस, जो कमेंट इंपॉर्टेंट है हम उनको पूरा डिस्कस करेंगे। नीलू सिंह रोल ने कमेंट किया, मैंने इंस्टाग्राम स्नैपचैट सब डिलीट कर दिया है ताकि मैं सोहक को भूल पाऊँ। सोनी शाह ने कमेंट किया, मुझे सुरभि दीदी का आज का यूट्यूब वीडियो अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसमें मोहक भाई नहीं थे, अगर सोहक होता तो YouTube वीडियो अच्छी लगती। अभी पटेल ने कमेंट किया, आई वॉन्ट सोहक बैक प्लीज। श्रेया तिवारी ने कमेंट किया, दीदी आप बहुत अच्छी हो, आपको हमेशा भगवान खुश रखे, और आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई दिया, थैंक यू सो मच दी। शिवानी खेर ने कमेंट किया, थैंक यू दी हमें रोज सोहक की अपडेट देने के लिए, एंड आप इतनी मेहनत करते हो हमारे लिए सोहक की अपडेट लाने में, आप बहुत ही अच्छे हो दी, थैंक यू सो मच शिवानी एंड रंजना बोथ ऑफ यू। जूनी ने कमेंट किया, थैंक्स मैम आपकी वॉइस बहुत बहुत अच्छी है। आशा ने कमेंट किया, थैंक यू दी आप बहुत अच्छी हो, आपकी वॉइस क्यूट क्यूटेस्ट है, थैंक यू सो मच आशा। साक्षी आर्या ने कमेंट किया, वी मिस यू सोहक प्लीज कम बैक। कल्पना ने कमेंट किया, आई होप जल्दी मिलेंगे सोहक। संजना ने कमेंट किया, आपने जब मेरा नाम लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, तो वेलकम संजना। शिल्पा ने कमेंट किया, सुरु ने अभी जो रिंग पहना हुआ है वो रिंग मोहन ने नहीं दिया है,
शुरू कुछ दिन पहले अपनी स्नैपचैट स्टोरी पे शेयर की थी, ये वाला रिंग नया है एंड शुरू ने तनिष्क से खुद को सेल्फ गिफ्ट किया है। तो गाइस शुरू की रिंग को लेकर जिसको भी कंफ्यूजन है वो मेरी यूट्यूब स्टोरी जरूर देखें, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। BTS ने कमेंट किया, दीदी आपकी वॉइस बहुत ही प्यारी है, माय नेम इज आयशा। थैंक यू सो मच आयशा कमेंट करने के लिए। ऑफिशियल आयशो ने कमेंट किया, वी वांट सोहब बैक। नजरीना ने कमेंट किया, दीदी सुरभि दीदी ने मोहक के बारे में कुछ नहीं बताया, ये कैसा ब्लॉग है। अंशुल मौर्या ने कमेंट किया, नाइस दीदी आप बहुत ही अच्छी हो, माय नेम इज अंशुल। राजू कश्यप ने कमेंट किया, प्लीज कम बैक सोहब, माय नेम इज कोमल। थैंक यू दीदी, वेलकम कोमल एंड थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। राजेंद्र कुमार ने कमेंट किया है, दी अगर ब्रेकअप हो जाता तो ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव्स को क्यों अनफॉलो नहीं किए हैं। मोहक भैया स्काई लहर सबको फॉलो किए हुए हैं, सुरभि दी भी रशीमा मोहक के पापा को भी फॉलो कर रखी है। तो गाइज अभी तक मैंने किसी भी वीडियो में ये कन्फर्म नहीं किया है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, इसी बेसिस पर हम लोग भी होप लेकर बैठे हुए हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे को भी फॉलो किया हुआ है और इनके रिलेटिव्स को भी फॉलो किया हुआ है। एमा उमेर ने कमेंट किया, सुरभि दी आप इतना खुश कैसे रह सकती हो। हिना परवीन ने कमेंट किया, खुदा ने मोहक सुरभि को बड़ी फुर्सत से बनाया है। आसिफ खान ने कमेंट किया, दीदी इन दोनों का प्रैंक है, हम सबके साथ ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। गाइज मैं तो गॉड से यही प्रे करूंगी कि काश ये प्रैंक ही हो, एंड आज तो मुझे सपना भी आया था कि सोहक हम सबके ऊपर मिलकर प्रैंक कर रहे हैं और ये दोनों एक साथ थे और मैं बहुत ज्यादा खुश थी। इनका सोलंकी ऑफिशियल ने कमेंट किया, दी सुरभि दी ने वंस कृष्णा सेट पर रील बनाई है, अब मोहक भैया के बचपन का नाम भी कृष्णा ही है, आई थिंक सुरभि दी ने मोहक भैया को ही सॉन्ग डेडिकेट किया है, हो सकता है ना दी। तो हाँ 100% हो सकता है। एंड गाइस जो भी लोग ये कहते हैं कि सुरभि की रील से कुछ हिंट नहीं मिलता है, गाइस जो भी लोग ये कहते हैं कि सुरभि ट्रेंडिंग साउंड पर रील्स बनाती है, इनका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, तो गाइस उन लोगों से मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ग्रैंड वाले साउंड तो बहुत सारे होते हैं बट उसमें से भी चूज करना होता है और सुरभि अपनी मर्जी से ही साउंड चूज करती है एंड उनको जो भी साउंड अच्छा लगता है उनकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग वो उन पर रील बनाती है। हाँ ये हो सकता है कि हर रील का कनेक्शन ना हो बट कुछ कुछ रील्स होती है जो हमें हिंट्स देती है, ये बात 100% श्योर है। नीता ने कमेंट किया है, मोहक भाई सोहक बोले हैं प्लीज अपलोड करो प्लीज। अनीता मैं आपको बता दूं ये वाली वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप 2 से 3 दिन पुरानी वीडियो देख सकते हैं। BTS आर्मी ने कमेंट किया है, आज तक उनका इतना लंबा झगड़ा नहीं हुआ है और सुरभि दीदी का लुक चेंज हो जाना ये अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कमेंट किया है, हम सब मिलकर दुआ करेंगे सोहक मिल जाए। बंसी दत्तानी ने कमेंट किया है, हाय दीदी यू आर सो गुड। शौर्या ने कमेंट किया है, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। तो यस गाइस हमें बस प्रे करनी है एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। गेमर ने कमेंट किया है, हम जरूर मिलवाएंगे बिकॉज सोहक है तो हम सब हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए एंड सॉरी गाइस आप लोग इतने लंबे लंबे कमेंट्स करते हो तो मैंने उनको थोड़े थोड़े ही पढ़े हैं। अगर मैं कमेंट्स पूरे पूरे पढ़ूंगी तो गाइस वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। गाइस मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा छोटा कमेंट्स करें, बट हाँ अगर आपके पास सोहक की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो कमेंट हम पूरा पढ़ेंगे चाहे थोड़ा लंबा ही हो, उसे मैं इग्नोर नहीं करूंगी। एंड थैंक यू सो मच अगेन इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। गाइस मैं कोशिश करती हूँ कि नए व्यूवर्स के कमेंट भी टाइम टू टाइम मैं शामिल कर लूँ, बट गाइस कुछ कमेंट हैं जो रह ही जाते हैं तो मैं उनको अगली वीडियो में शामिल करने की कोशिश करती हूँ। तो आज के लिए बस, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।